तो भारत सरकार ने एक ऐप को बनाया है जो कि 1 अप्रैल को इसको पब्लिश किया गया था, जो कि प्ले स्टोर में भी अभी अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, वहां से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे और किस प्रकार से उसको यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आरोग्य सेतु। तो आपको यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी अभी ही इसको आपको डेवलप किया गया है और इस पे डाला गया है, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होगी वो टॉप पे शो करने के लिए। आपको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो या तो आपको ये क्या करना होगा कि आपको इस टाइप का देख करके और आपको डाउनलोड कर लेना होगा, या मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा इसको, तो आपके सामने इतने सारे लैंग्वेज में इस ऐप को बनाया गया है, यानी कि आप ये लैंग्वेज में अपना कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस ऐप को चला सकते हैं। तो जैसे मैं अभी हिंदी में सेलेक्ट करके आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे करना है। उसके बाद आपको हिंदी में जैसे ही मैं सेलेक्ट करिए, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम सभी भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता, क्या आप चाहते हैं कि आपके यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पंजीकृत तो नहीं पाया गया है, यानी कि आपको संपर्क में आपके बगल में आसपास में कोई तो आपका कोविड-19 से कोई है या नहीं है, उसके बारे में है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह ऐप को लोकेशन और ब्लूटूथ के जेनरेशन सोशल मीडिया ग्राफिक की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पंजीकरण लोगों के साथ आपके संपर्क ट्रैक करता है, यानी कि आपके अगल बगल किन 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 लोग को आपको हुआ है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। क्या आपके जो बगल में है तो उनको कोविड-19 हुआ है, यानी कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसमें बताया गया है। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन पे स्विच ऑन करें। यहाँ पे आपको इस ऐप को लोकेशन को ऑन कर देना है, उसके बाद ब्लूटूथ और लोकेशन को भी ऑन करना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा सारे लोगों को कि आपके आसपास में है कि नहीं। मैं ये भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में कि आखिर कैसे पता चल रहा है कि आखिर मेरे लोगों के पास आसपास तो नहीं, भाई ये जादू तो नहीं है इसमें, लेकिन नहीं, मैं लास्ट वीडियो के मैं बताऊंगा कि कैसे ये कर रहा है प्रोसेस। उसके बाद स्क्रॉल करना है। अनजान के किसी कोविड-19 पंजीकरण व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। देखिए मैं बताया था आपको कि अगर आपके बगल में आसपास में अगर कोई भी कोविड-19 से पीड़ित है तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत इस ऐप की मदद से पता चल जाएगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में वीडियो में कि क्यों आखिर पता चल जाएगा, आखिर भाई इसमें क्या चीज है कि पता चल जा रहा है उसमें और आपके फोन में। ऐप अलर्ट माध्यम से निर्देश दिया जाएगा, आपको सारा ऐप से निर्देश दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे ही प्रकार से आपको इस सारे चीज़ को पढ़ लेना है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अलाउ परमिशन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवा और गोपनीयता से शर्तें, इस शर्त को विषय में संवेदनशील को समझते हैं और आपके सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किया गया है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल लोकेशन, आपको आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल के लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पर सेट करें, यानी आपका लोकेशन जैसे मेरा यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे हमेशा मेरा देखिए अपने ही आप ओपन हो जाएगा और उसको बंद नहीं करना है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बंद नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल पढ़ के उसके बाद यहाँ पे लिख देना है हाँ मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑलवेज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ समय के बाद आपको ओटीपी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ओटीपी भी आ चुका है और अपने आप ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको सही सही आपने बताना है, तो ही आपको चेक करके ये आरोग्य सेतु बता पाएगा। तो आपको सही में आपको ईमानदारी पूर्वक से सारे चीज़ को फिलअप करना है, ईमानदारी से सारा चीज़ बताना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको आ गया, तो आप पुरुष हैं तो पुरुष पर सेलेक्ट कीजिए, अगर स्त्री हैं तो स्त्री, और कुछ नहीं है तो अन्य पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पुरुष पर क्लिक किया हूं, उसके बाद अपना पूरा नाम भरना है, अपना ईमानदारी से आपको यहां पे अपना नाम इसमें भर देना है। तो चलिए मैं अपना नाम यहां पे डाल दे रहा हूं, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमानदारी से अपना आयु डालना है, तो मैं यहाँ पे आयु अपना डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि व्यवसाय आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे सारा व्यवसाय मिल जाएगा। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक हैं, पुलिस हैं, अधिकारी, कानून हैं, विवरण हैं, यहाँ पे सारा इस प्रकार से जो आपको हैं उद्योग निर्माता जो भी चीज़ है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं, तो आपको इसको क्लिक कर लेना। जो इन लोग
से कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए उसके नीचे में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है पिछले 30 दिनों में किन किन देशों का भ्रमण किया, यानी आप पिछले 1 महीने से आप कौन कौन से देश को भ्रमण किए, यानी कौन कौन से देश में घूमे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये सारे देश का नाम यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सारे देश पे आपको जो भी लगता है कि मैं यहाँ यहाँ गया हूँ, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं तो अभी कहीं नहीं गया हूँ, तो नन पर ही छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है, ज़रूर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा है इंटरफेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण का कम जोखिम, यहाँ पे मतलब कि कम जोखिम है। उसके बाद आपको क्या है, घबराना नहीं पर सावधान रहिए, समय पर चिकित्सक और सुरक्षा और स्वच्छता से हम सब कोरोना वायरस से प्रकाश से हरा सकते हैं, कृपया खुद से शिक्षित करें, सावधानी बरतें और घबराएं नहीं। और उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे COVID-19 का यहाँ पे हेल्पलाइन आपको मिल जाता है, सहायता केंद्र, यानी आपके यहाँ पे क्लिक, चलिए मैं करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्रत्येक स्टेट का यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर आपके पास कोरोना वायरस है, अगर आप चाहते हैं उसे हेल्प लेना, कुछ भी पूछना, तो आपके सारे स्टेट का, हर एक स्टेट का यहाँ पे आपको, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लगभग सारे स्टेट का यहाँ पे आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है, नहीं हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। जैसे मैं बिहार में हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे कॉल लग जाएगा, यहाँ से कॉल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सारे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको बैक कर देना है, आप चाहते हैं तो यहाँ से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यानी आप यहाँ से इस ऐप की मदद से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सब सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ये क्वेश्चन उधर से पूछे जाते हैं ऐप के माध्यम से, तो ये आपको ईमानदारी पूर्वक से फिलअप करना है। ये नहीं कि मैं झूठ बोल करके ये करूँगा तो वैसे आपको नहीं होगा, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक से फिलअप कीजिएगा तो ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको पूछना है और आंसर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके में भी कोरोना वायरस है या नहीं है, मेल है, फीमेल है या अन्य है। तो आपको पुरुष पे, मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष पे आपको जो भी लगता है जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। कृपया अपने आयु लिखें, आप जो भी आयु के हैं वो अपना आयु यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या आप नीचे दिए गए लक्षणों में से किसी के अनुभव कर रहे हैं, मतलब जो देखिए यहाँ पे 4 लक्षण दिया गया है, तो आपको क्या इस लक्षण से आप हैं, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई नहीं, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ईमानदारी पूर्वक से आपको सेलेक्ट करना है, तो ही आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या हुआ है, कोरोना वायरस या नहीं है। तो आपको, मैं यहाँ पर कुछ नहीं हूँ, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको से लास्ट मतलब कि अगला क्वेश्चन है, क्या आपके कभी नीचे दिए हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मधुमेह, उच्च रक्त, यहाँ पे फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको हुआ है तो आपको ईमानदारी पूर्वक इसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इसमें से बीमारी हुआ है, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या आपने पिछले 14 दिन में कोई विदेश यात्रा की है, तो आपको ईमानदारी पूर्वक से यहाँ पर भर देना है कि अगर आपने किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं, मैं नहीं किया हूँ कोई भी देश का, तो मैं यहाँ पर नहीं किया हूँ। उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति को मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ, मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, इनमें से कोई नहीं, मैं भी इनमें से कोई नहीं हूँ, तो इसमें इनमें से कोई नहीं पर क्लिक कर दूँ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका संक्रमण को जोखिम कम है, देखिए आपका जोखिम कम है, मेरे में कोरोना वायरस थोड़ा सा भी नहीं है, और मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ ये मिल जाएंगे कि मतलब कि जैसे कि आपको हुआ है कि नहीं है, आपको ये लक्षण है, लक्षण होते हैं जो यहाँ पर आपको नहीं है। अनुशंका करते हुए आपको नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी अवसर के बचने के लिए घर पर ही रहें, मतलब कि आप घर पर ही रहें, बाहर नहीं जाएं, क्योंकि आप में है नहीं, और आप में है नहीं तो आप घर पर ही रहें। इन लक्षणों का विकास करते हुए या किसी COVID-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वास्थ्य निर्धारित टेस्ट को दोबारा लें, यानी फिर से अगर आप COVID-19 के इस चीज़ में आते हैं, यानी उसके साथ अगर आप पता चलता है कि आपको उसमें है और आप उसमें टच हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, तो आप इसको एक बार फिर से क्वेश्चन इसमें ये कर लीजिए। और आपको यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए, तुरंत अपने हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको जो निजी आपको हॉस्पिटल हो, या आप यहाँ पर अधिक के लिए यहाँ पर इस साइट पर आप विजिट कर सकते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने आप को ही टेस्ट करें इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट किए हैं पीएम मोदी जी, ट्वीट किए हैं और भी यहाँ पे कोई कोई ट्वीट करता रहता है, तो आपको यहाँ पे न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ से आपको मिल सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे इस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। और मैंने बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये कैसे पता चल रहा है आपके बगल में है या नहीं है। तो इसमें जो भी आपको लोकेशन को ऑन किया जा रहा है और जो आपके बगल में जो भी अगर कोविड-19 से पीड़ित है तो भी बगल में आपके फोन को यूज कर रहा है, तो उसमें भी ये चीज चेक किया होगा। जैसे आप चेक किए तो वैसे ही वो भी चेक किया होगा, तो ये वहां से सब सिस्टम चल रहा है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये आप में मतलब कि आपके आसपास में जैसे ही आपके आसपास में कोई भी कोविड-19 के होगा तो आपको मोबाइल पे आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि समझ में आएगा कैसे और किस प्रकार से अपना भी चेक किया जाता है और इससे पता चल जा रहा है कि अगल बगल में किसी का कोरोना वायरस तो हुआ नहीं है। तो अगर सबसे बढ़िया लगा तो आपको क्या करना है कि आपको सारे फैमिली मेंबर्स के पास शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि कैसे और किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। तो घर में रहिए बिल्कुल और बच के रहिए।